Me, I study better at night. 5 minutes later. हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस सोलर सिस्टम के सबसे टोलेस्ट माउंटेन्स के बारे में? कुछ डाटा के अनुसार एक एस्टेरॉयड पे जिसका नाम वेस्ता है, उस पे सबसे टोलेस्ट माउंटेन है जो कि 25 किलोमीटर तक हो सकता है और 20 किलोमीटर तक मिनिमम हो सकता है। ये रिया सिल्विया माउंटेन है, 25 किलोमीटर लंबा। और प्लेनेट पे सबसे टोलेस्ट माउंटेन मार्स प्लेनेट पे है जिसका नाम ओलंपस मोर्स है जो 21.9 किलोमीटर तक लंबा है। वही माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर तक है। ये माउंटेन माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा लंबे है। Seeing your old photos and videos in front of friends, me. क्या आपको पता है कि जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहनते हैं, इनकी कीमत क्या होती है? 1974 के टाइम के जो स्पेस सूट होते थे वे 123 करोड़ से 180 करोड़ तक होते थे और आज के समय में इनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है जो 1230 करोड़ तक है। मी हु कैन लिफ्ट 50 किलोग्राम्स, मी ट्राइंग टू ओपन समथिंग। ये है नरक का ग्रह, इसका नाम है K2-141b जो हमारे सोलर सिस्टम से 202 लाइट ईयर्स दूर है। यह सच में नरक का ग्रह है। यह पूरी जानकारी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी से काफी अलग है। यह अपने होस्ट स्टार के काफी पास है। जैसे कोई प्लेनेट सूर्य के जितना पास होगा वह उतना ही गर्म हो, इसी कारण होस्ट स्टार के काफी पास होने के कारण यह काफी गर्म है, काफी नहीं बहुत ज्यादा गर्म। इस प्लेनेट का सरफेस यानी सतह पिघली हुई है और यह प्लेनेट अपने ऑर्बिट में तो घूमता है पर खुद नहीं घूमता है। एक साइड अंधेरा है और दूसरी साइड हमेशा सनलाइट रहती है। दिन वाले हिस्से में टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और अंधेरे वाली साइड में -200 डिग्री सेल्सियस तक। हमारी पृथ्वी में पानी इवेपोरेट होकर फिर बसता है, लेकिन इस प्लेनेट पे मैग्मा इवेपोरेट होता है फिर रॉक्सी फॉर्म में बरसता है। इस प्लेनेट पे बहुत तेज हवा बहती है, सुपरसोनिक विंड्स, जो इस दिन वाली साइड में इवेपोरेट होकर मैग्मा को दूसरी डार्क साइड में ले जाती है जहाँ पर यह बरसता है। बाद में डार्क साइड से धीरे धीरे वापस दिन वाली साइड में आ जाता है। हमारी पृथ्वी में पानी का समुद्र है, लेकिन इस ग्रह पे मैग्मा का समुद्र है जो कि 100 किलोमीटर तक गहरा है। Me, after 100 push-ups, my friend after one push-up. ये है बांग्लादेश और यहाँ पे देखिए ये है रशिया। इनके साइज में काफी अंतर है, लेकिन क्या आपको पता है बांग्लादेश की पॉपुलेशन स्टिल रशिया से ज्यादा है। रशिया की पॉपुलेशन 14.34 करोड़ है, वही बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16.94 करोड़ है, जबकि रशिया 115 गुना ज्यादा बड़ा है बांग्लादेश से। टीचर रोल नंबर 21, फ्रेंड्स एब्सेंट सर। जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, फ्रॉग्स मुंह से नहीं पीते। जो फ्रॉग्स की स्किन होती है वह बहुत खास होती है, बल्कि वे अपनी इस स्किन से जितनी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी के अंदर वे इस स्किन से ऑक्सीजन ले पाते हैं। जुपिटर ग्रह इतनी स्पीड से स्पिन करता है कि हर 10 घंटे के बाद एक नया सनराइज देखने को मिलता है। When I realized teacher gave me 4 marks instead of 5 marks. साइंटिस्ट द्वारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोज लिया गया है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है जिसका साइज हमारे सूर्य से 33 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। इसे इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी से 57 मिलियन लाइट ईयर अवे है, यानी लाइट को वहाँ से आने में 57 मिलियन साल लग जाएंगे और यह इस गैलेक्सी के सेंटर में है। हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, जैसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है सेगिटेरियस ए। और इतने बड़े ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी होगी? ब्लैक होल पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। डैड अनलॉक योर फोन, आई वांट टू सी समथिंग। मी ओह आई फॉरगेट माय फिंगरप्रिंट। डैड जमैका का रहने वाले एक व्यक्ति ने एक लॉटरी ली और वह उस लॉटरी का विनर भी निकल गया, परंतु वह अपनी लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था और वह यह लॉटरी लेने भी आ गया। और यहाँ तक सिंपल है, पर एक डरावना मास्क ला के आया ताकि उसका कोई भी रिलेटिव उसके बारे में ना जान सके और उससे पैसे ना मांगे। बॉयज गोइंग टू बाथरूम फ्रॉम क्लास, कमिंग टू क्लास फ्रॉम बाथरूम। सोचिए आप किसी के घर पर गए और आप देखते कि एक डॉग आप पर पत्थर फेंक रहा है। ऐसा है कि एक आदमी ने उसने अपने डॉग को ट्रेन किया कि जो भी उसके डोर पे आके घंटी बजाए वह डॉग उस पर पत्थर गिरा दे। एक्चुअली इस आदमी को किसी से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए ऐसा करता था। आप भी बच के रहिएगा जब आप किसी की डोरबेल बजाए। हेलो गाइस, एक जापानी आदमी जो युद्ध के खत्म होने के बाद भी 30 साल तक लड़ता रहा, आप सोचेंगे कैसे? देखिए इस वीडियो में। हीरो ओनोडा, इसका जन्म 1922 में जापान के एक आइलैंड पे हुआ था। बाद में जापानी आर्मी में भर्ती हो गया, इसलिए इसे स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया जहाँ पे इसने युद्ध के बारे में जाना, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में जाना और हिस्ट्री के बारे में और प्रोपेगेंडा और मार्शल आर्ट्स के बारे में भी स्टडी की। यह टाइम अब चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का
ओनोडा में काफी स्किल भी थी, इसीलिए इसे फिलीपींस में भेज दिया गया। इस समय जापान की सेना का यहाँ पर कब्जा था। दूसरी तरफ अमेरिका यहाँ पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था। ओनोडा फिलीपींस के लुबैंग आइलैंड पे उतर गया। उसको सख्त आदेश दिए गए थे कि सरेंडर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। 1945 में अमेरिका ने यहाँ पर अपना आक्रमण स्टार्ट कर दिया। बहुत से आइलैंड पे उनका कब्जा हो गया, कुछ छोटे आइलैंड को छोड़कर। यहाँ पर उन्होंने जापानी सैनिकों को मार दिया कुछ को, और कुछ को यहाँ से भगा दिया गया। वही दूसरी ओर जापानी सेना की मेजर ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर भागना मत, एक साल लग जाए, पांच साल लग जाए, तुम सरेंडर मत करना। ओनोडा ने उसके वर्ड्स को पकड़ लिया। यहीं पे खेल स्टार्ट हो गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, परंतु ओनोडा को यह पता नहीं चला। ओनोडा 3 सैनिकों के साथ लुबैंग के जंगलों में था। उन्होंने प्लान बनाया कि वे एनिमी को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाएंगे। अक्टूबर 1945 में उन्हें कुछ जानकारी मिली दूसरे सैनिकों से कि वे हार चुके, पर उन्होंने सोचा कि ये सब फेक है क्योंकि उन्हें प्रोपेगेंडाज की स्टडी भी की थी। बाद में प्लेन से लीफलेट भी गिराए गए। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा ये फेक है। इसी तरह काफी साल बाद तक वे लड़ते रहे। इस आइलैंड पे पुलिस लोगों तथा बहुत से पार्टीज ने उन्हें खोजने का प्रयास किया। वे फार्मर्स पर गोले चला देते और उनके खेतों को जला देते उन्हें एनिमी समझकर। 1949 में एक सैनिक वहां से चला गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वॉर एंड हो चुकी है, पर 3 सैनिक अभी भी बाकी थे। उस एक सैनिक ने 6 महीने बिताए सरेंडर करने से पहले। उसने अपने ग्रुप के बारे में भी उन्हें सूचना दी। फिर से 1952 में एक एयर ड्रॉप किया गया जिसमें उनके परिवार के बारे में उनके लेटर्स फोटोज फेंके गए, पर उन्होंने सोचा कि ये भी फेक है। 1954 में सर्च पार्टीज की खोज में इन 3 सैनिकों में से एक को शूट कर दिया गया। इसी तरह बहुत से साल जंगलों में बीत गए। वे नारियल, केला और मांस के सहारे जी रहे थे और वे अब भी इसी तरह अपने ऑर्डर को मान रहे थे। 1972 में सर्च पार्टीज की खोज में एक और सैनिक को गोली मार दी गई। अब केवल एक ही बचा था। अब ओनोडा अकेले ऑर्डर्स को मान रहा था। 1974 में जापान के एक आदमी को इस जानकारी के बारे में पता लगा। फिर वह उसके पास गया। उसे पहले से जानकारी थी कि ओनोडा उसके ऊपर शूट कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि हम आपके लिए चिंतित हैं। उसने सुजुकी की बात सुनी। ओनोडा ने कहा जब तक हायर ऑफिसर द्वारा ऑर्डर्स नहीं आएंगे वह सरेंडर नहीं करेगा। फिर सुजुकी ने हायर ऑफिसर को इसके बारे में कहा। इस तरह युद्ध के 29 साल बाद तक उसने सरेंडर नहीं किया। वह 29 साल तक लड़ता रहा परंतु युद्ध पहले खत्म हो चुका था। 30 साल बाद जब वह आया तो जापान में बहुत कुछ बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती ट्रेन, फिर बाद में ब्राजील चला गया। यदि कोई हंस रहा है और आप उससे पूछेंगे कि तू क्यों हंस रहा है, तो 90% लोग और जोर से हंसने लग जाएंगे जो वे बताएंगे कि वे क्यों हंस रहे हैं। Me during the whole lecture. Me smiled for 0.1 second. Teacher, why are you laughing continuously from 30 minutes? यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रेगिस्तान और समुद्र मिलते हैं। एक तरफ तो पानी पानी और दूसरी तरफ पानी नहीं है। इस रेगिस्तान का नाम और ये अफ्रीका में है। We have great technologies that I think the train will go upon this pole. जब कोई छोटा बच्चा होता है 1 मंथ का, वह केवल काला और सफेद विजन में देख सकता है। पर ऐसा क्यों? उसकी आँख में रेटिना फुली डेवलप नहीं होती और दिमाग में नर्व्स भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। जब वह 2-3 मंथ का हो जाता है तो वह चीजों को ट्रैक कर सकता है और लोगों के चेहरे को और आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत याद कर सकता है। 4 मंथ बाद उस बच्चे का विजन साफ हो जाता है और वह पूरी तरह देख सकता है। One student in class. After this, the whole class. कुछ पेड़ों की स्पीसीज में ऐसी करना होती है जिसमें इस पेड़ों के ऊपर का हिस्सा एक दूसरे से थोड़ा भी टच नहीं होता, है ना ये मैजिक फैक्ट? इसे क्राउन साइनस कहते हैं। क्राउन यानी पेड़ के धरती से ऊपर का पूरा भाग। दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स 3rd रैंक में है UPSC। इसका पासिंग रेट बहुत कम है, केवल 0.1 से 0.3%, और हर साल 5 लाख प्लस तक स्टूडेंट इसमें एग्जाम देते हैं। 2nd रैंक पे है IITJEE, इसमें हर साल 1 मिलियन प्लस तक स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और इसका पासिंग रेट UPSC से ज़्यादा है, जो कि 1% तक है। 1st रैंक पर है गाँव, इसमें 12 मिलियन प्लस तक स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन 9 आवर्स तक है। तो यह दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसे वे स्टूडेंट देते हैं जब वे स्कूल से यूनिवर्सिटी जाते हैं और इसके एग्जाम पेपर को ऐसे बार के पीछे रखा जाता है। क्या होगा अगर आप एक स्टार फिश को बीच में से काटेंगे? यदि आप इन्हें काटेंगे तो फिर से ग्रो होने लग जाएगी, परंतु उसे कुछ महीने लगेंगे। क्या होगा अगर यदि आप इनकी लैस को हटेंगे?
तो उनमें से एक नई स्टारफिश बन जाएगी। कुछ स्टारफिश अपनी टांगों को खुद से निकाल देती है ताकि और स्टारफिश बन सके। यदि मैं आपको कहूँ ये कूड़ा उठाओ डेली और साल में मैं तुम्हें 63 लाख रुपए दूंगा तो बोलो। न्यूयॉर्क में कूड़ा उठाने वालों की सैलरी इतनी है, साल की एवरेज $76,000 यानी 63 लाख रुपए ये कमाते हैं।